फिलहाल जो हम जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी से। जी आशीष, अभी आप किस जगह पे, कौन सी विधानसभा क्षेत्र में है, कौन से पोलिंग बूथ में और क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल विक्रम सिंह, मैं चौमू विधानसभा क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर जो स्कूल है वहाँ के पोलिंग बूथ पर हूँ। यहाँ पर आप लाइनों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए लोगों में उत्साह है। महिलाओं की कतारें बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से लोग अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए आतुर हैं। आप इन लाइनों से अंदाज लगा सकते हैं कि जो लोग हैं वो सबसे पहले सारे काम छोड़ करके वोट डालना सबसे पहले उचित समझ रहे हैं और सारे काम छोड़ करके वोट डालने के लिए महिलाएँ लंबी लंबी कतारें में आप देख सकते हैं। चौमू का ये बूथ है जहाँ पर सुबह से ही कतारें लगी हुई है। 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू हुई उसी के साथ ये कतारें शुरू हो गई थी और वेट करना पड़ रहा है। लोग सबसे पहले ये वोट डाल करके काम पर जाना चाहते हैं ताकि उनकी दिनचर्या प्रभावित नहीं हो और जो लोकतंत्र का महापर्व है जो कि 5 साल बाद इनको विधायक चुनने का मौका मिलता है, यहाँ पर अपने एक वोट का मताधिकार का प्रयोग कर और ये इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, महिलाओं की कतार सेपरेट लगाई गई है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। पुरुषों की अलग कतारें हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जिस प्रकार से ये कतारें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है विक्रम सिंह कि इस बार जो लोकतंत्र का महापर्व है हर एक व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाना चाहता है कि जो सरकार चुनी जाए उसमें उसका योगदान जरूर हो। अपना खुद का मताधिकार का प्रयोग कर वो ये चीज़ साबित करना चाहता है कि जो मैंने मत दिया है उस मत का महत्व है और उस मत के कारण ही वो अपनी सरकार चुनना चाहता है। अपने खुद के जो मस्तिष्क में उसकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को लेकर के वोट कास्ट करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो पोलिंग परसेंटेज है, राजस्थान में पिछली बार जो पोलिंग परसेंटेज था वो 74% था और अब की बार उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परसेंटेज बढ़ करके 80 के पार जा सकता है। जी विक्रम सिंह जी, जी आशीष, और जिस तरह से आप विजुअल्स दिखा रहे हैं और हमने जिस तरह से जयपुर शहर में भी अभी बात की संवाददाताओं से तो वहां कुछ सुस्ती थोड़ी सी नजर आई। हो सकता है शहर में कुछ अलग माहौल और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा आप विजुअल्स में दिखा रहे हैं तो लंबी कतारें और महिलाओं के लिए बहुत खास या इस बार इंतजाम किए गए। तो क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग बूथ भी बनाए गए इस बार निर्वाचन विभाग की ओर से? जी बिल्कुल, कुछ चुनिंदा जगहों पर अलग बूथ बनाए गए हैं लेकिन यहाँ पर जो बूथ है वो कॉमन बूथ है, सरस्वती स्कूल का बूथ है। यहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले वोट डालने आए हैं आप, चिकित्सा पेशे से हैं और वोट डालना कितना जरूरी है? देखिए, आज जो लोकतंत्र का महापर्व है मैं इसमें सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि आप सब अपना मत का उपयोग करें क्योंकि जिस तरह से आप अपनी सरकार चाहते हैं, अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं आप जरूर करें। और मुझे उत्साह है कि आज सुबह सुबह मैं चाह रहा था कि शायद बहुत कम भीड़ होगी लेकिन यहाँ सुबह सुबह उतनी भारी भीड़ है तो लोग जागरूक हैं और मुझे बहुत खुशी है। जो व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्थाएं की उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या है? व्यवस्थाएं देखिए सरकार ने या फिर जो निर्वाचन आयोग ने जो अभी कर रखी हैं वो अच्छी कर रखी है। लोगों के लिए सही कतारें लगी हुई हैं, भीड़ भाड़ का माहौल नहीं है और मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, ये जो व्यवस्थाएं इनसे संतुष्ट है? कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो वोट कास्ट करने आए हैं, क्या कुछ उत्साह है इस वोट कास्ट को लेकर के, क्या कुछ सोच रखते हैं? वोट डालना तो बहुत जरूरी है और जैसे कि सुबह सुबह आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है तो वो लोग जागरूक भी दिख रहे हैं। आपको अपना मतलब जो कैंडिडेट है वो अच्छे से सोच समझ के चुनना चाहिए, इसीलिए सभी जागरूक हैं, सभी इसलिए वही। जी बिल्कुल विक्रम सिंह, अपना मताधिकार का प्रयोग कर अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, अपने मनपसंद के प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहते हैं। यहाँ के जो वादे हैं, यहाँ के जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रख कर के हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने में जुटा हुआ है। जिस प्रकार से जो लाइनें हैं वो अपने आप में इस बात को गवाह करती है कि स्वीप कार्यक्रम जो चलाया गया निर्वाचन विभाग ने, जो स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता का जो संदेश देने का एक प्रयास किया, एक अभियान चलाया कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए, सुबह सुबह उनको घर से बाहर निकाला जाए,
पहले वोट, बाकी फिर सारे काम करने हैं। मोबाइल पे भी आज आप कोई भी किसी को भी मोबाइल पे नंबर डायल करेंगे तो सबसे पहले आपको एक ही मैसेज मिलेगा कि सबसे पहले आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो जागरूकता लाई गई है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम यहाँ पर नजर आ रहा है। जी विक्रम। जी जी आशीष बिल्कुल। और ये लगातार जो कॉलर ट्यून में हम सुन रहे हैं मतदान के लिए अपील की जा रही है, जब आपसे भी हम संपर्क कर रहे थे तो लगातार यही संदेश आ रहा था हमारे तक। और जिस तरह से आपने बताया था आमेर विधानसभा क्षेत्र में, आपने बिहारीपुरा में वहां के समीकरण बताए, तो इस वक्त आप चौमू में इस जगह पे खड़े हैं, तो यहाँ चौमू का क्या समीकरण है, किस तरह के राजनीतिक समीकरण है, कितने प्रत्याशी मैदान में है, और अभी रुख तो हम भांप नहीं सकते लेकिन फिलहाल समीकरण और वहां का उत्साह जरूर बता दें आप। बिल्कुल विक्रम सिंह, बताना चाहूँगा कि चौमू भी एक तरीके से हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी के दिग्गज रामलाल शर्मा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और 5वीं बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस ने अब की बार नया प्रयोग किया है, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदला है। लगातार भगवान साहेब सैनी चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर कांग्रेस से, लेकिन उनका टिकट काटकर इस बार एक डॉक्टर को टिकट दिया गया है। डॉक्टर शिखामिल बराला को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि चिकित्सा पेशे से हैं और महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। तो यहाँ पर ये मुकाबला काफ़ी रोचक देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के एक बागी हैं, उन्होंने ताल ठोक रखी है बसपा से, वो चुनाव मैदान में हैं, कैलाश राज सैनी यहाँ पर मैदान में हैं। तो वहीं छुट्टन यादव, जो कि पिछली बार लगभग 38,000 मत लेकर के गए थे, तो यहाँ पे जो मुकाबला है काफी रोचक हो चुका है। यहाँ पर जो उत्साह है वो एक अलग ही प्रकार का है, लोगों में इस बात की रोचकता है कि क्या रामलाल फिर से लगातार रिपीट हो पाएंगे या फिर शिखा बराला टक्कर दे पाएगी, क्योंकि यहाँ के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी इस चुनाव में काफ़ी हावी है। और लोकेलिटी जो एक एडवांटेज जो रामलाल शर्मा को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो 5वां चुनाव लगातार लड़ रहे हैं, लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से राजनीति करते आ रहे हैं, 20 साल उनको हो गए। तो वहीं शिखा बराला भी एक चिकित्सक हैं पेशे से, उनका जो परिवार है काफ़ी पहचान रखता है और पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ये एक रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ चौमू में जो प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं उनके साथ साथ स्थानीय मुद्दे हैं वो भी हावी रहेंगे। जी 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 आशीष। और जिस तरह से आपसे बात चल रही थी तो एक जिक्र किया था आपने, मतदान प्रतिशत भी कुछ ट्रेंड सेट करता है, मतलब मतदान प्रतिशत कुछ ज्यादा होता है तो हवा का रुख कहीं और होता है, कम होता है तो हवा का रुख कुछ और होता है। तो राजस्थान में ये क्या, ऐसा क्या सिस्टम है कि मतदान प्रतिशत से भी बहुत कुछ कयासे लगाए जाते हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 2013 में मतदान हुआ था, 2013 का जो मतदान प्रतिशत था वो 75+ था, 75% से ज़्यादा मतदान हुआ था 2013 में। 2018 की बात करें तो ये मतदान प्रतिशत में हल्की कमी आई थी, 74% रहा था। तो ये जो प्रतिशत की कमी आई थी तो सरकार चेंज हुई थी जी, मैंडेट जो गया था पब्लिक का वो मैंडेट उलट गया था सरकार से, सरकार तख्ता पलट हुई थी और राजस्थान में जो राज बदलने की जो रिवाज है वो कायम थी। राज बदलने की जो रिवाज है वो इस बार बदलेगी कि नहीं बदलेगी, क्या राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगी, ये काफी देखना दिलचस्प होगा। अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आए या फिर जो बीजेपी ने जो प्रचार किया हो उसका बेनिफिट उनको मिल जाए। और अगर जो मतदान प्रतिशत कम रहता है तो ये कभी काफी देखना दिलचस्प होगा कि लोगों में जागरूकता जो आई है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिस प्रकार की जो लाइनें हैं, हम 2 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो लाइनें देखी गई है मतदाताओं की, जो लाइनें हैं सुबह से कतारों में लोग खड़े हैं, तो इस बात से एक बात का अंदाज़ा जरूर लगाया जा सकता है कि मतदान प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं 2018 से ज़्यादा इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार डिजिटल युग है, लोगों को कन्वेंस करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप है, स्टेटस है, सोशल मीडिया अप्रोच है, ये कई सारी चीज़ें हैं। निर्वाचन विभाग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता का कार्यक्रम चलाया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता आई है और लोग जागरूक बने हैं। पहले देखा जाता था कि लोगों को घरों से निकाल करके लाने के लिए प्रत्याशी वाहन लगाते थे, आज वो सीन नहीं देखे जा रहे हैं। आज मैक्सिमम जो लोग हैं खुद से चल करके मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, लोगों को घरों से निकाल करके लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि लोग जागरूक हुए हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए खुद आगे बढ़ करके आ रहे हैं। जी विक्रम।
जी आशीष, बिल्कुल आपने वो उस दृश्य याद दिला दिए जब घरों से लोगों को गाड़ियों में लेके आते थे और मतदान के लिए बताना पड़ता था, क्योंकि उस समय डिजिटल युग नहीं था। और आज डिजिटल युग है तो आज बहुत प्रचार प्रसार बहुत आसान हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह प्रदेश में जो मुख्य जगह है वहाँ पर हमें अपडेट देते रहें। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एवन टीवी पर मतदान के महापर्व का महाकवरेज जारी रहेगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।